एंड्री वापस रोक दे टू चेयर लर्न टू बन पे आज हम देखेंगे टाइप कास्टिंग या टाइप कास्ट क्या होता है सी के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले सी स्टार्ट कर लेते हैं। सी में सबसे पहले हम देखेंगे जल्दी यहाँ पे, तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको टाइप कास्ट का एक्चुअल यूज़ पता लग जाएगा। और सी कभी भी टाइप कास्ट जो है ना ऑटोमेटिकली यूज़ नहीं करता है, तो हम एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं टाइप कास्ट दो तरीके से। इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाता है नीड के अकॉर्डिंगली, जो आउटपुट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट को उस टाइप ऑफ डेटा में चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली। और जो एक्सप्लिसिट होता है जिसके हमें फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती करवाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें सी के अंदर एक्सप्लिसिट वर्क करता है यानी कि हमें खुद करवाना पड़ेगा, ये टाइप कास्ट ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। तो आइए इसे एग्जांपल से पहले क्लियर करते हैं इसको। टाइप लोड सी से मैंने सेव कर लिया, फिर हम इसे F5 से इसकी बड़ी कर लेते हैं और हैश प्रूव स्टूडियो डॉट एच हैश प्रूव ऑनियो डॉट एच मेन और हम यहाँ पे इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू टू एम सी 0 क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं यहाँ पे। और हम इसे यहाँ पे सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई डी और हम इसे प्रिंट आउट करवाते हैं परसेंटेज डी सी गेट सी एच कर ली क्लोजिंग ब्रैकेट। और अब हम इसे एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं कोई एरर है या नहीं है डेफिनेटली और कंट्रोल है। तो आंसर अपने देखा 2 आया, जबकि देखा जाए तो जो आंसर होगा जो आंसर होना चाहिए वो उसका 2.5 होना चाहिए, क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो 2.5 होना चाहिए। तो अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम इसे क्या कर सकते हैं जिसमें आउटपुट आनी है उसे हम चेंज कर लेते हैं फ्लॉट के अंदर, हमारे आउटपुट फ्लॉट में आएगी हम चलो उसमें चेंज कर लेते हैं कोई इशू नहीं। और यहाँ पर इसे F लिख देते हैं दिस ओके ओके। अब इसे हम एक बार रन करवाएंगे, इसे हम गुण दे देते हैं यहाँ पे। तो आज जो आउटपुट आई है 2.000 आई है, अच्छा कि आंसर जो 2.5 आना चाहिए था। ऐसे केस में क्या है कि टाइप कास्टिंग नहीं हो पा रही है। टाइप कास्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जिस फॉर्मेट में जो आउटपुट आनी चाहिए उसको ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट के अंदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में से चेंज कर देना चाहिए, जबकि वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ कर रहे हैं ताकि ऑटोमेटिकली जो आउटपुट आए उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया जाए किसके अंदर उसकी टाइप ऑफ डेटा के अंदर ये टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारी 2.5 आनी चाहिए थी वो नहीं आई, बिकॉज हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट यूज़ नहीं कर रहे और सी बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिट हमें यूज़ करना पड़ता है, जबकि बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली यानी इम्प्लिसिट यूज़ नहीं करता है। तो हम फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फ्लॉट लगा देंगे फ्लॉट पैरेंथेसिस फ्लॉट और पैरेंथेसिस पर जो एक्सप्रेशन है हम ए डिवाइड बाई बी वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या करेगा, जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा डिवाइड या कोई ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर उसकी रिजल्ट के अनुसार उसको वो टाइप कास्ट यानी चेंज कर दे उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं टाइप कास्ट करना। तो हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ करी। अब इसके अंदर हम इसे रन करवाते हैं कंट्रोल F9। तो आप देख पा रहे हो 2.5 इसे एक्यूरेट आंसर आ रहा है बिल्कुल इसके अंदर। तो इसी वजह से हम टाइप कास्ट यूज़ करते हैं, छोटी लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसका समस्या का सोल्यूशन निकालते हैं, तो टाइप कास्ट यूज़ करना ज़रूरी होता है। मैंने आपको विदाउट टाइप कास्ट भी यूज़ करके दिखाया और आफ्टर टाइप कास्ट भी, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम टाइप कास्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप कास्ट करने का तरीका। तो आगे मैं एक टाइप कास्ट और आपको दिखाऊंगा कैरेक्टर टाइप भी यूज़ करने के लिए। तो अभी तो हमने भी नॉर्मल ऑपरेशन से समझा कि टाइप कास्ट कैसा होता है और किस तरीके से यूज़ हो रहा है सी के अंदर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो तुरंत लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।